आज के इस गरिमापूर्ण संध्या पर हम सब के मध्य उपस्थित हमारे मध्य प्रदेश के महामहिम राज्यपाल महाराजा मानसिंह संगीत एवं कला विश्वविद्यालय के कुलाधिपति माननीय श्री मंगू भाई पटेल साहब, हमारे राज्य की पर्यटन और संस्कृति मंत्री बहन उषा ठाकुर जी, विश्वविद्यालय के कुलपति माननीय श्री नाहर साहब, कुल सचिव आदरणीय श्री पाठक जी, आचार्यगण, विद्यार्थीगण और इस कार्यक्रम में साक्षी बनने के लिए और कार्यक्रम की गरिमा बढ़ाने के लिए उपस्थित सज्जनों, बहनों और पत्रकार मित्रों, आज निश्चित रूप से मेरे लिए भी यह प्रसन्नता का क्षण है जब मैं ग्वालियर के इस विश्वविद्यालय में दीक्षांत समारोह का साक्षी बन पा रहा हूं। इसके लिए मैं कुलपति जी को और कुलाधिपति जी को हृदय से बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। आज इस कार्यक्रम को ऊंचाइयां प्रदान करने के लिए महामहिम राज्यपाल जी हम सबके मध्य पधारे हैं। हम सब ग्वालियर के वासी हैं। मैं भी ग्वालियर का एक नागरिक हूं। इस नाते गालब ऋषि की इस तपोभूमि पर संगीत सम्राट तानसेन की जन्मस्थली महारानी लक्ष्मीबाई, रानी झांसी की बलिदान स्थली, अटल बिहारी वाजपेयी जी और राजमाता विजयराजे सिंधिया जैसे नेताओं की कर्म स्थली, कुशाभाऊ ठाकरे जैसे तपस्वी राज ऋषियों की अध्ययन स्थली पावन नगरी ग्वालियर में महामहिम राज्यपाल जी का हृदय से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। हमारे लिए यह सौभाग्य का विषय है कि ग्वालियर की धरा पर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय है। इसका श्रेय अगर किसी को दिया जाना चाहिए तो इस ग्वालियर में जो हमारे पूर्वज सामाजिक क्षेत्र में काम करते थे, निश्चित रूप से यह श्रेय उन्हीं लोगों का है। मुझे ध्यान है जब मध्य प्रदेश अविभाजित था उस समय मध्य प्रदेश सरकार ने एक संगीत और कला विश्वविद्यालय बनाने का मन बनाया। ग्वालियर संगीत घराना विश्वविख्यात होने के बावजूद भी राजनीतिक ताकत कमजोर होने के कारण यह विश्वविद्यालय ग्वालियर को न मिलकर छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले के खैरागढ़ में बनाया गया। उस समय हमारे यहाँ सार्वजनिक जीवन में काम करने वाले जो कार्यकर्ता थे उन सब के मन में बहुत दर्द था कि ग्वालियर की संगीत सेवा को अनदेखा करके राजनीतिक कारणों से ग्वालियर का यह हक छीन गया। मुझे ध्यान है जब मैं विधायक बना तो हमारे नेता शीतला साई जी उस समय जीवित थे, बहुत अच्छे
विधायिका के ज्ञाता थे, लोगों को सिखाने का उन्हें बहुत शौक था। मैं चूंकि ग्वालियर का कार्यकर्ता था इसलिए उनके पास गया और मैंने उनसे कहा कि विधानसभा में मैं कैसे काम करूं, इस मामले मेरा मार्गदर्शन करिए। चार पांच घंटे उनके साथ बैठा, उन्होंने बहुत सारी चीजें बताई और उस समय उन्होंने दो बातें बहुत दर्द के साथ मुझे बताई। एक तो उन्होंने कहा संगीत विश्वविद्यालय ग्वालियर में बने यह ग्वालियर का हक था, लेकिन हमारी राजनीतिक ताकत नहीं थी इसलिए हक ग्वालियर को नहीं मिल पाया। और इसी प्रकार से उन्होंने कहा कि ग्वालियर में एग्रीकल्चर कॉलेज बहुत पुराना था, उसको यूनिवर्सिटी बनना चाहिए था, लेकिन राजनीतिक ताकत जबलपुर की ज्यादा थी इसलिए जबलपुर में यूनिवर्सिटी पहले बन गई। तो उन्होंने कहा कि जब तक विपक्ष में रहो तब तक इनके लिए लड़ो और कभी सरकार में रहने का मौका मिले तो ये हक ग्वालियर को मिलना चाहिए। और निश्चित रूप से मुझे सौभाग्य मिला प्रतिपक्ष की भूमिका में भी विभिन्न विधाओं के माध्यम से इन दोनों विषयों को आगे बढ़ाने का प्रयत्न किया। लेकिन जब मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो 19 अगस्त 2008 का दिन ग्वालियर के इतिहास में एक तौर से स्वर्ण दिन के रूप में जाना जाएगा, जब ग्वालियर में संगीत विश्वविद्यालय भी बना और कृषि विश्वविद्यालय भी बना। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि हमारे विश्वविद्यालय के कुलपति जी, उनकी अगुवाई में, उनकी कुशलता, उनके मार्गदर्शन से यह विश्वविद्यालय निश्चित रूप से प्रगति के पथ पर अग्रसर हो रहा है। माननीय राज्यपाल जी, हम सब इस बात को भलीभांति जानते हैं, संगीत का, साहित्य का, कला का यह क्षेत्र राज्य आश्रय के बिना आगे नहीं बढ़ पाता, इतिहास भी इस बात का साक्षी है। सामान्य तौर पर इन क्षेत्रों में जो काम करने के लिए लोग आते हैं उनकी भी अपनी मर्यादाएं होती हैं, वो किसी न किसी विधा के साधक होते हैं तो बहुत ज़्यादा अपने हक को मांग पाए इसमें उनके मन में हमेशा संकोच बना रहता है। महामहिम जी, ग्वालियर का यह विश्वविद्यालय आपके सानिध्य में पल्लवित हो रहा है, पुष्पित हो रहा है, इस विश्वविद्यालय पर थोड़ी सी आपकी और कृपा होगी तो यह विश्वविद्यालय ग्वालियर ही नहीं, मध्य प्रदेश ही नहीं, वरन ग्वालियर को अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा दिलवाने का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। इतनी ताकत इस विश्वविद्यालय में है, आपकी कृपा और आपका मार्गदर्शन इसे मिले, हम सब सौभाग्यशाली हैं। संगीत सम्राट तानसेन की यह जन्मस्थली है, उनकी प्रेरणा से यहाँ अनेक संगीत और कला के ऋषि जन्म लिए जिन्होंने ग्वालियर की पावन धरा को पूरी दुनिया में प्रतिष्ठित करने का काम किया। आज हम भूल नहीं सकते उस्ताद हस्सू अद्दू खां को, आज हम भूल नहीं सकते बाला साहब पूछ वालों को, पंडित लक्ष्मण राव कृष्णराव जी को, उस्ताद हाफिज अली खां को। ये वे नाम है जिन्होंने शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में, ध्रुपद और ख्याल के क्षेत्र में सारी दुनिया को अपनी साधना से सुशोभित करने का एक सफलतम प्रयत्न किया है। आज यह संगीत विश्वविद्यालय आपके सानिध्य में निरंतर आगे बढ़ रहा है। आज हम देख रहे थे यहाँ स्नातक विद्यार्थी भी हैं, स्नातकोत्तर विद्यार्थी भी हैं, पीएचडी की उपाधि जिन्हें मिली वे भी हैं और तमाम सारे हमारे बहन और भाई ऐसे हैं जिनको अपनी विधा में
आज स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ है, कुलपति जी ने उनको आशीर्वचन दिया है, कुलपति जी को उन्होंने उस आशीर्वचन को निभाने का वचन दिया है। मैं अपनी ओर से इस मौके पर उन्हें बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। विश्वविद्यालय निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर हो, महामहिम का आशीर्वाद हमेशा बना रहे, इसी शुभेच्छा के साथ आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्य अतिथि जी। निश्चित रूप से हम आपके उद्बोधन से अभिभूत हैं।